तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या है सच्चाई पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद संयोगिता की मौत की। ये बहुत ही ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है, हमारे पास ये आया था और हम यहाँ आपको बताने वाले हैं आखिर क्या है सच, किससे संबंधित, संयोगिता से संबंधित। जब मृत्यु हो गई पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई इसकी चर्चा तो हम कर चुके थे पिछले वीडियो में। हमने देख लिया था कि मोहम्मद गौरी ने 1192 AD में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उन्हें बंदी बना के आंखें फोड़ के ले गए थे गजनी और वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। कहीं ना कहीं जो हमें सुनने को मिलता है चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो में कि अपनी कटार से पृथ्वीराज के जो अंगरक्षक या उनके मित्र या दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने अपनी कटार से खुद को और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। तो उनकी मौत के बाद आखिर हुआ क्या संयोगिता का, तो हम आपको बता दें कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि संयोगिता को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, ये पकड़ के ले गया कुतुबुद्दीन ऐबक और उनको हरम में रखा या उनके साथ गलत किया। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें सही हैं। क्यों नहीं लगता कि सबसे पहली चीज़ है तो भाई युद्ध भूमि में महिलाएं तो आती नहीं, आती हैं क्या? नहीं आती। तो युद्ध भूमि में महिला थी नहीं तो वहाँ कैसे पकड़ के ले जाएंगे? अब आप कहोगे कि सर हार गया था, हार जाने के बाद वो गया होगा वहाँ पे उनके महल में कब्जा कर लिया होगा और ले गया होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है। अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि उसको उठा के ले गया हो, ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये हुआ नहीं। देखिए क्या होता है, भारतीय परंपरा की अगर बात करें उस समय की राजशाही की, तो सांस्कृतिक परंपराओं में एक परंपरा चलती थी, एक व्रत चलता था जिसको हमने सुना होगा आप सभी ने। आपने सुना है क्या? नाम नहीं सुना? देखो युद्ध भूमि में अपने आप की प्राण की आयु आहुति कौन लगा रहा है? राजा लगा रहा है ना, पुरुष लगा रहा है, तो महिलाएं फ्री थोड़ी बैठेंगी भाई। इतना बड़ा अगर युद्ध हो रहा है तो उस राज्य की महिलाएं क्या कर रही हैं? कोशिश कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, किसके लिए? अपने पति को बचाने के लिए, युद्ध भूमि में उसको जीतने के लिए और जिंदा वापस आने के लिए। तब तक के लिए वो प्रार्थना करती हैं, सब कुछ करती हैं। उस सारी जो व्यवस्था थी उस समय की है ना, उस व्यवस्था को कहा जाता है अग्निकुंड में। हमने देखा होगा ना कि कोई व्यक्ति सती हो जाती है, कोई पत्नी, उसको बोलते हैं इस भाषा में जौहर। नाम सुना है जौहर का? जौहर मतलब एक अग्निकुंड में कूद जाना। तो आपको जौहर के बारे में बता दूं, जौहर व्रत हुआ करता था। आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है कि जब भी कोई राजा युद्ध भूमि में जाता था तो उस राज्य की सारी महिलाएं इंक्लूडेड राजी जो रानी है, पट रानी जो मेन रानी है, वो सारी रानियों को, सारी महिलाओं को सुरक्षित रखा जाता था किले में। कुछ अंगरक्षक और कुछ लोगों की कुछ छोटी टुकड़ी सेना की छोड़ दी जाती थी उनकी रक्षा के लिए। तब तक जब तक लड़ाई चलती थी तब तक सारी महिलाएं व्रत रखा करती थी अपने पति के लिए, जैसे अभी रखते हैं ना करवा चौथ का व्रत लंबी उम्र के लिए, ऐसे ही उस समय पूजन करते थे, जौहर व्रत कहलाता था। कि उस समय पूरी महिलाएं प्रार्थना करती रहती थी, भक्ति करती रहती थी भगवान की, कि भैया उनकी आत्मा को मतलब कहीं ना कहीं उनको शक्ति देते रहना, उनको बचा के रखना, उनको विजय प्राप्त हो, इन सारी चीज़ों को लेकर। इनकेस अगर वो हार गए युद्ध में तो खबर पहुँच जाती थी कि राजा तो गए हो, और राजा तो गए हो तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई हार गया है तो दूसरा राजा जो जीता है वो आएगा, तोड़फोड़ करेगा, मारकाट करेगा, सब कुछ करेगा। तो ऐसे में अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस समय लगभग हर हिंदू जितने भी किले हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, उनमें एक जौहर भवन या जौहर कक्ष भी हुआ करता था, जो एक कुंड कहलाता था जौहर कुंड। उसमें लकड़ियाँ भरी रहती थी, सब कुछ रहता था, उसी में सारे आहुति होती थी। तो संयोगिता ने अपनी उस समय की बाकी की जो दासियां हैं और महिलाएं हैं उन सबके साथ मिलके क्या किया था, जौहर कर लिया था। ठीक है, तो जौहर करने के बाद उनकी मृत्यु हुई है और कुछ ऐसा कोई कारण हमें मिलता नहीं किसी दूसरे प्रकार का। तो सच्चाई ये थी कि संयोगिता ने पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद क्या किया, जौहर किया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए या जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।